हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एंग्लो इंडियन पोएट तोरु दत्त की पोयम द लोटस के बारे में। इस पोयम में उन्होंने लोटस यानी कमल के फूल की तारीफ़ की है, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की है और उसे क्वीन ऑफ फ्लावर्स माना है। फ्रेंड्स, इंडियन कल्चर में लोटस का एक अलग ही पोजीशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे भगवान उसे पसंद करते हैं, जैसे सरस्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी या ब्रह्मा जी। आपने देखा होगा उनकी तस्वीरों में कमल के फूल होते हैं। तो इसीलिए पोएट ने इस पोयम में इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए लोटस के फ्लावर की बहुत तारीफ़ की है। ये पोयम एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि ये एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में डिवाइडेड है। इस पोयम के ऑक्टेव में एक प्रॉब्लम है कि कौन से फ्लावर को क्वीन ऑफ फ्लावर्स चुनना चाहिए, क्या वो रोज़ होगी या लोटस। और सेस्टेट में इसका आंसर दिया गया है कि वो फ्लावर कौन है जो क्वीन ऑफ द फ्लावर्स बन सकती है, वो फ्लावर लोटस है। इस पोयम की पोएट हैं तोरु दत्त, जिनका जन्म 4 मार्च 1856 में हुआ है और उनकी डेथ 30 अगस्त 1877 में हुई है। वो एक एंग्लो इंडियन पोएट होने के साथ ही एक बंगाली ट्रांसलेटर भी थी, यानी कि वो इंग्लिश वर्क्स को बंगाली में ट्रांसलेट करती थी और बंगाली वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। साथ ही उन्हें एंग्लो इंडियन लिटरेचर की फाउंडिंग फिगर्स में से एक माना जाता है, यानी एंग्लो इंडियन लिटरेचर की शुरुआत में उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। उनकी फेमस वर्क्स में अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स और एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान भी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पोयम को रीड करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। फ्रेंड्स, लव यहाँ पर गॉड ऑफ लव क्यूपिड को कहा गया है और फ्लोरा जो है वो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स को कहा गया है। तो लव फ्लोरा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक फूल को चुने, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और वो फूल जो होगी वो इन सारे फूलों की रानी होगी, यानी जो सारे फूलों में सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत फूल है फ्लोरा उसे चुने। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। और इस इम्पॉर्टेंट पोजीशन को पाने के लिए, इस ऑनर को पाने के लिए दो फूल बहुत समय से एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं, यानी दोनों ही ये पोजीशन पाना चाहते हैं, क्वीन ऑफ फ्लावर्स बनना चाहते हैं। और ये दोनों फूल कौन हैं? तो एक लिली का फूल और दूसरा रोज़ का फूल। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स यानी फ्रेंड्स पोएट्स को कहा जाता है। तो बहुत से फेमस और पावरफुल पोएट्स ने इन दोनों की खूबसूरती के बारे में पोएम्स लिखी हैं, अपनी कविताएं लिखी हैं, और उन कविताओं में इन दोनों को यानी रोज़ और लिली दोनों को ही फूलों की रानी माना है, दोनों को ही बहुत खूबसूरत माना है। इसलिए दोनों ही फ्लावर्स का इक्वल क्लेम है, दोनों का बराबर हक है कि वो क्वीन ऑफ फ्लावर बने। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मेन। यानी कि जो गुलाब है वो कभी भी लिली की तरह स्ट्रेट नहीं रह सकता है, वो झुक जाएगा, जबकि लिली बिल्कुल गर्व से खड़ा रहता है जुपिटर की वाइफ जूनो की तरह। बट इज द लिली लवलियर। मगर क्या जो लिली है वो रोज से ज़्यादा सुंदर है? क्या लिली लवलियर है रोज से? Thus, between flower factions rang the strife in Psyche's bower. तो सारे फूल जो हैं वो आपस में दो दलों में बट गए, एक जो रोज़ को सपोर्ट करने लगे और दूसरा जो लिली को सपोर्ट करने लगे। सारे फूल दो टीम्स में या दो दलों में बट गए। Give me a flower delicious as the rose. तो यहाँ पर क्यूपिड जो है वो बोल रहा है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो रोज़ की तरह डिलिशियस हो, यानी उसकी तरह खूबसूरत हो, सुंदर हो। एंड स्टेटली एज लिली इन हर प्राइड, और जो लिली की तरह आकर्षक हो, वो अट्रैक्टिव हो,
यानी लव एक ऐसा फ्लावर मांग रहा है जिसमें रोज और लिली दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ हों, गुड क्वालिटीज़ हों। बट ऑफ वॉट कलर, मगर उसका कलर क्या होगा, वो जो फूल तुम मांग रहे हो उसका क्या रंग होगा। रोज रेड, यानी गुलाब की तरह लाल। लव फर्स्ट चोज, लव ने पहले क्या चूज़ किया कि वो गुलाब की तरह लाल हो। देन प्रेड, और फिर बोला नो लिली वाइट, यानी जो लिली की तरह सफ़ेद हो। और बोथ प्रोवाइड, या फिर एक ऐसा फ्लावर चूज़ करो जिसमें रोज़ का रेड कलर भी हो और लिली का वाइट कलर भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने कौन सा फूल दिया, तो लोटस का फूल दिया, कमल का फूल। रोज़ रेड डाइड एंड लिली वाइट, जिसमें रोज़ का रेड कलर भी है और लिली का वाइट कलर भी है। फ्रेंड्स, जब हम रेड कलर और वाइट कलर को मिक्स करते हैं तो पिंक कलर बनता है, जो कि लोटस का कलर है। तो यहाँ पे पोइट वही कह रहा है कि रेड और वाइट कलर को डाई किया गया है और उससे एक न्यू कलर बना है जो उस लोटस का कलर है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और ये जो फूल है, जो लोटस का फूल है, वो सारी फूलों की क्वीन है, उनकी रानी है, जो इस दुनिया में खिलती है। ब्लोज का मतलब होता है ब्लॉसम करना, खिलना। तो लोटस का फ्लावर जो है वो इस दुनिया में खिलने वाले सारे फ्लावर्स का क्वीन है, वो सारे फ्लावर्स से ज़्यादा सुंदर है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी डी सी। इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन और सिमिली का यूज़ किया गया है। यहाँ पर लव और फ्लोरा, इन्हें पर्सोनिफाई किया गया है, और साथ ही रोज़ और लिली को भी। इसके अलावा सिमिली का भी बहुत यूज़ किया गया है। तो ये थी फ्रेंड्स टोरू दत्त की पोएम द लोटस।